हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल जुम जुम वर्ल्ड। तो कैसे हैं आप लोग सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब भी बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की दुआओं से मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो जी, सबसे पहले बात कर लेते हैं, लास्ट के वीडियो में मेरे पास कमेंट आया था कि आप ये जो साबुदाने के बड़े बनाती हैं इसकी आप रेसिपी दे दें। तो मेरा क्या है ना कि मैं एक प्रॉपर, मतलब मैंने आपको शायद पहले भी बताया कि साबुदाने में तो मैं खुद इतनी वो नहीं हूँ, जैसे एक वो परफेक्ट वाला होता ना कि मैं आपको बताऊँ भाई इतनी क्वान्टिटी इतनी क्वान्टिटी। मैं जैसे बना रही हूँ मैं वैसे बता देती हूँ, और इसमें ज़्यादातर मैंने आपको पहले भी बताया था, थोड़ी सी ना रिस्की तो होते ही हैं, देखो भाई ये फैल भी जाते हैं ना, पता चल रहा है आपने इतना तामझाम करा और फिर ये फैल गए तो फिर आप बैठ के रो। तो मैं वो काम करती ही नहीं और ना ही बताती कि भैया किसी का काम ख़राब हो। तो आप लोग मुझे देख सकते हो, उसे देख के आप थोड़ी क्वांटिटी में ट्राई कर सकते हो, अगर ठीक बन जाए तो फिर भैया आप लोग भी ज़्यादा ज़्यादा बना लेना। मतलब कहने का मतलब ये कि बहुत ज़्यादा लेके मत बैठ जाना कि पता चल रहा है 2-3 किलो आलू ले लिए और ये सब कर लिया और फिर साबुदाने के बड़े बन ही नहीं रहे हैं, और नहीं तो किसी एक्सपर्ट की वीडियो देख लेना। अच्छा, मैं क्या कर रही थी, मैंने ये 5-6 आलू हैं इनको बॉईल कर लिया है अच्छे से और इनको छील छील के अभी पतीले में डाल रही हूँ। और जो जो कर रही हूँ ना, मतलब वो सब आपके साथ शेयर करूँगी बिना कटिंग के, कि भाई कभी आप लोगों को ज़रा सी भी कंफ्यूजन हो जाए। तो कि कुछ कुछ लोगों को मतलब ये थोड़ा बोरिंग भी लग सकता है कि मतलब ये इसमें रेसिपी में इंटरेस्ट ना हो तो वो वीडियो स्किप करके भी देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने ऐसा सोचा था कि मैं 2 आलू निकाल लेती हूँ और इससे ना बच्चों को सुबह नाश्ता दे दूँगी, लेकिन फिर मुझे ज़रूरत लगी तो मैंने ये 2 आलू भी ले लिए थे, यानी कि मेरे टोटल आप लोगों ने शायद गिने होंगे, वैसे मैंने तो खैर नहीं गिने, 6 आलू होंगे। मैंने 2 निकाल दिए थे तो शायद 4 बचे थे, लेकिन फिर मैं वापस भी 2 ले लूँगी क्योंकि मुझे ये लगेंगे। और ये जो साबुदाना है ना, ये आपको भिगोना कैसे, ये बहुत ज़्यादा पानी में नहीं भीगता, ये बस आप इसे धो के ना अच्छे से, और बस इतना होना चाहिए कि आपकी एक उंगल ऊपर होना चाहिए, मतलब ये जो साबुदाना होता है ना इससे बस एक उंगल पानी ऊपर होना चाहिए, ये इतने पानी में भीगेगा। और मेरे साबुदाने में आज थोड़ा पानी ज़्यादा इसलिए दिख रहा है क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि ये वही ब्लॉक है जो मम्मी आई थी और मम्मी ने कहा था कि हाँ मैं साबुदाने के बड़े खाऊंगी, और फिर मम्मी रोज़ा अफ्तार पार्टी में चली गई थी, तो ये पार्ट 2 है, आया याद? तो वो चीज़ है ना, तो इसीलिए फिर मैंने सुबह भिगोया, वैसे रात को भिगोते हैं क्योंकि इन्हें अच्छा खासा टाइम चाहिए होता है, और अभी मेरे पास टाइम था नहीं क्योंकि मम्मी ऐसी ही आई थी 12 बजे के आसपास, 11-12 बजे के आसपास शायद, तो मैंने फिर तभी भिगोया था, तो थोड़ा सा मैंने पानी इसमें ज़्यादा डाल दिया था। चलो, तो बहरहाल अब इसमें मैं जल्दी जल्दी निचोड़ के डाल दूँगी। बाकी सॉरी क्योंकि मैंने पूरी रेसिपी तो आज भी इसकी शूट नहीं की, बस इसमें हरा धनिया हरी मिर्च डालनी होती है, प्याज कटी हुई डालनी होती है और नमक मिर्च डालना होता है, मूंगफली डालनी होती है। तो ये अभी मैं मतलब आपको वर्बली बता रही हूँ, नेक्स्ट टाइम पक्का मैं बनाऊंगी ना तो पूरी की पूरी रेसिपी आप लोग के साथ शेयर करूँगी। आज के लिए सॉरी। तो बस अब मैं जल्दी से टिकिया अपनी सेक लेती हूँ। रोजा खुलने के 15 मिनट बाद रोजा खुलेंगे। अब आप सोचेंगे ऐसा क्यों किया, टाइम ही नहीं है, बिल्कुल आए टाइम पे मैडम ने पॉटी कर दी, वो सब क्लीन करके दोबारा वजू करके अब मैं बैठी हूँ। तो मैं मेरे अफ्तार की थाली में आज क्या क्या है मैं आपको दिखा रही हूँ। तो ये मैं साबुदाने के बड़े बना रही थी, ये है फ्रूट चाट है और शरबत है। अब मुझे शदीद भूख लग रही है, मैं जल्दी से खा लेती हूँ फिर मैं आपसे मिलूँगी बाद में। और लीबू मेरे साथ बैठी है, आयरा है नहीं, आयरा अपनी दादी के साथ गई, कहाँ गई सब बाद में। तो जिस कढ़ी की इतनी मैं तारीफ़ कर रही थी वो कुछ इस तरह से बन के तैयार हुई है। अच्छा, मुझे कमेंट में भी काफ़ी लोगों ने कहा था कि हल्दी ज़्यादा, और सही बताओ मुझे भी बहुत ज़्यादा लग रही थी, लेकिन देखिए कितनी ही बेहतरीन और कितनी लाजवाब कढ़ी बनी थी, और ये पता खाने में ओ माई गॉड इतनी यम्मी थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। ये खुद ही भाग रही थी, भागते भागते क्या इसे रख दो बाबू जी, अब इसे मैं लूंगी, आप खाओ ना खाओ आराम से। क्या देखना है चलो को आप हंसा रहे हो, चलो भाई चलो।
तो यहाँ पर बज रहे हैं रात के 10:15, और रात के 10:15 मैं क्या कर रही हूँ आपको दिखाती हूँ। मैं बना रही थी यहाँ पर चीला, गुड़ का मीठा चीला। तो एक्चुअली हम लोगों ने कढ़ी बनाई थी ना, मेरा बड़ा मन था इसके साथ चीला खाने का। तो मैंने उस दिन वो गुलगुले का बैटर खोला था ना, वो मैंने फ्रिज में स्टोर कर रखा था इसीलिए कि एक दिन कढ़ी बनेगी और मैं खाऊंगी। तो बस यहाँ पर एक चीला बनके तैयार है जो कि हमने टेस्ट कर लिया। मैं सोची थी कि अंदर से कहीं कच्चा ना रह जाए, लेकिन नहीं, अंदर से बिल्कुल सही बना है। वो बनाने का तरीका बिल्कुल वैसे ही है, लेकिन हाँ शायद ये नॉर्मल तवे पर ना बने, ये नॉन स्टिक में ही बनेगा। बाकी मैं इसे दबा दबा के और सेक रही हूँ, थोड़ा चिपक जाता है ना। तो मुझे बहुत ज़्यादा क्रेविंग थी, तो अब मैं अपनी क्रेविंग पूरी करूँगी और लिबा भी मेरे साथ खाएगी। खाओ ना, तो जी अब हो गया है सहरी का टाइम और वादे के मुताबिक मैगी इज़ गॉन और कबाब इज़ ऑन। तो आप लोगों को पहले तो मुझे कमेंट करके बताना है कि मैं कौन सी मूवी का डायलॉग मारा है। मतलब मैगी और कबाब नहीं था उसमें डायलॉग, लेकिन डायलॉग यही था डैश डैश गॉन डैश डैश ऑन। अब वो डैश डैश क्या था, तो हो कोई धुरिंदर तो मुझे ज़रूर कमेंट करके आना था ना। बहुत मतलब सुपर हिट मूवी थी। तो खैर यहाँ पर देखिए ये हमारे घर की रौनक, ये बच्चे सारे उठ चुके हैं और आज तो हिजू ने उठा दिया है सबको। हिजू इतनी ज़ोर से रोया था, तो ये बच्चों के पापा बाहर सो रहे थे और मैं बना रही थी सहरी, तो इन्हें आज हम पे तरस आ गया और ये इन्होंने आके हिजू को फिर थोड़ा संभाल लिया था, तो ताकि मैं सहरी कर लूँ, क्योंकि सहरी का टाइम भी बस जा ही रहा था। और इधर लिबू ने रोना शुरू कर दिया था, और जब ये दोनों रोते तो फिर क्या ही हंगामा होता है। तो अब मुझे पता है काफ़ी लोग कमेंट करेंगे कि जीजू बाहर क्यों सो रहे थे, तो जब इन्हें मतलब जाना होता है ना सुबह जल्दी, तो ये अब क्या करते हैं, ये बाहर सो जाते हैं। और मैं इन्हें बिल्कुल भी कुछ नहीं कहती, क्योंकि भाई इनका काम है सह दिन और रात चलने का होता है, और आपको पता है मेरे बच्चे तो मतलब हर टाइम हंगामा करते ही रहते हैं, इनके नींद का कोई टाइम नहीं है इनका। मतलब कभी 12-1 बज ही जाते, कभी कोई सा सो जाता है तो कोई सा नहीं सोता। तो मैं तो खैर घर में ही रहती हूँ, हम लोग तो एडजस्ट कर लेते हैं, लेकिन वो काम धंधे वाला इंसान है, काम धंधे वाले इंसान हैं, तो वो उनको फिर चलना होता है, फिर उनको नींद ना आए, तो फिर इस वजह से मैं भी सोचती हूँ कि वो आराम ही कर लें। तो फिर जब उनको ऐसा कहीं जाना होता है तो फिर वो आराम से बाहर सो जाते हैं, टाइम से सो जाते हैं, और अपने भैया टाइम से उठ के चले भी जाते हैं और हमारे हंगामे कमरे में चलते रहते हैं। मुझे आप लोग कमेंट करके बता रहे कि जो मेरे साथ होता है क्या आप लोगों के साथ भी एग्जैक्ट वैसे ही होता है। आज तो आयरा तुमने वो कर दिया जो हम अपने बचपन में करते थे। मैं खाना खा रही थी जबकि टाइम बहुत कम है, आयरा का बड़ा मन कर रहा था आयरू भी लग गया खाने, लेकिन मेरी आयरा बहुत अच्छी है, बहुत समझदार है। ये मैंने इसे कई बार बोला खा लो, इसको पता है मामा के पास बस 2 ही रोटी है, तो मामा भूखी रह जाएगी। फिर जब लास्ट की बची ना, फिर आयरा ने बोली दिया मामा 1 बाइट खिला। हालांकि मैंने दे दिया, फिर मैं उससे कह रही, मैंने कहा अब मैं और रोटी बना लूँ, तो कह रही नहीं मुझे खानी नहीं। इन्होंने छुटकी ने सबको उठाया है और इन्होंने कल अफ्तार से पहले पॉटी करी है ना, अब सहरी में पॉटी अब कर दी इसे मेरे गोद में बैठे बैठे, अब इसे डायपर चेंज करूँगी। और ये छपछे छतार बच्चा जो मुँह भर भर के रोता है, वाह वाह। गाइस देखिए अवतार में भी करी अभी, हाँ कल अवतार में इसने बहुत सारी पोटी कर दी थी। मैंने अवतार करने से पहले सब अवतार कर रहे थे, मैं पोटियाँ साफ कर रही थी। ऐसे परेशान करते हैं बच्चों के डायपर ख़त्म हो गए हैं, छोनू के पापा को बोलना पड़ेगा। हाँ जी दादी, मुझे कहीं और ले गई थी, तो पहले तो हमने रोजा खोला, फिर उसके बाद खाना खाया, फिर रोजा खोलने के बाद दादी नमाज पढ़ रही थी सब लोग, मुझे तो सिला दे दिया था उन्होंने। अच्छा, फिर उनकी नमाज हो गई थी, फिर मैं 10 बजे खाना आ गया था, फिर खाना खा रहे थे। अच्छा, सारे लोग बैठे कल अफ्तार पार्टी में गई थी।
और जब वो मम्मी वो दादी के घर पे वो आई थी ना, जल्दी जल्दी बोलो, जिनको घर से बाहर निकाल दिया था। किनको घर से बाहर निकाल दिया था? अरे टाइम हो गया, चलो मैं पहले अपना पानी पी लूं। हमने ये ना क्या कहते हैं रोजा वोजा खोलने के बाद 8 बजे बहुत परेशान कर रही थी, तो ये सो गई। फिर हालांकि मैं इंतजार को कर रही थी, मैंने कहा उठेगी तो मैं इसे खाना खिलाऊंगी, उठी नहीं। और कल मैं इतना तंग थी, मैं इतनी तबीयत खराब थी, मुझे चक्कर आ रहा था, तो मैंने भी क्या करा, मैंने भी इनके पापा उठ चुके थे, नहीं मैंने मेरा भी काम हो गया था जल्दी, तो मैंने इन बच्चों को 9:30 बजे लिटा दिया। हालांकि लिबा तो नहीं सोई थी, लेकिन मैंने सोने का माहौल बना दिया, तो ये और नहीं थी। तो फिर इसे कल खाना नहीं खाया बच्चे ने ना, तो दूध कितना भी पी लो लेकिन खाने की बात खाने की होती है, तो फिर ये भूखी थी इसलिए इसने शोर मचाया, और इसकी वजह से ये सारे बच्चे खाइए दिखाइए, ये सारे बच्चे उठ गए सारे बच्चे उठ गए। तो अब हम चोनू को खाना खिलाएंगे ताकि चोनू हमें सुबह सोने। बस मेरी सारी ताज बहुत ही प्यारी रही, लेकिन एक अच्छी बात हुई कि ये ना रो रही थी, मैं इसको 3 बार आके सेटल कर गई, धूप पिला के कुछ कर कुछ, लेकिन फिर ये मानी नहीं। इनके पापा फोन आ रहा है, इनके पापा खुद ही आ गए और उन्होंने संभाल लिया इसको, तो तब करके मैंने कुछ खा लिया। तो कल तो मदद, आज तो मदद करा दी है। चलो दैट्स इट फॉर टुडे, अब हम आपसे मिलेंगे मतलब इससे पहले, अब मैं जरा बच्चों को चेंज कर। अरे वो घर से बाहर निकाल दिया था। किसको निकाला था? अरे वो जो उनकी दादी मम्मी ने बाहर निकाल दिया, वो हमारे घर पे। अच्छा हाँ 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 हाँ, वो भी आई थी। अच्छा अरे वहाँ पे नहीं थी, दादी उस तरफ अब मेरे को गाइस को बताने दो कि किसको निकाल देता, वरना गाइस सोचेंगे पता नहीं किसी बात करिए। वैसे आप लोगों को याद होगा कि एक बार हमारे घर पे एक लेडी आई थी 2 बच्चों के साथ, जो मैंने वीडियो में भी दिखाया था, जिनके हस्बैंड ने उन्हें मार पीट के घर से निकाल दिया था, ये उनकी बात कर रही है। तो ये उनके घर पे भी गए थे है ना। अच्छा अच्छा, यहाँ देखिए इनके कपड़े चेंज चल रहे। और ये कौला, अच्छा जी वो बोल नहीं पाती, अभी भी नहीं बोलती वो लड़की। ओ अच्छा, है लिबू अभी भी नहीं बोलती? ओ लिबू तो बोलता है, लिबू तो कितना बोलता है, पट 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 पट। चलो गुड नाइट करो, गुड नाइट तुम भी कर लो, गुड नाइट।